सो गाइस आप लोगों को अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मेरे पास मेरी मारुति की डिजायर है गाड़ी के जो हीटर प्लग है जिसको हम ग्लो प्लग भी बोलते हैं, वो इस गाड़ी के चारों खराब है। फिर भी मेरी गाड़ी सिंगल सेल्फ स्टार्ट है, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में कोई भी ब्लैक धुआं या फिर व्हाइट कलर का धुआं ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी जगह अगर टाटा की कोई गाड़ी रहती या फिर फोर्ड की कोई गाड़ी रहती जिसमें हीटर प्लग अगर खराब हो जाता है तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये गाड़ी वो आसानी से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो गाड़ी में ग्लो प्लग है मैं आज चेंज करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने अपनी गाड़ी में जो सारे पार्ट है उनको चेंज करवा के लिया था, तो उसी के रिगार्डिंग मैं भी मेरे डिजायर में जो ग्लो प्लग है उनको भी चेंज करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पार्ट नंबर बताऊँगा अभी, और गाड़ी में ग्लो प्लग भी चेक करके दिखाऊँगा कि उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। और अभी आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि मेरी गाड़ी सिंगल सेल्फ स्टार्ट है और गाड़ी में कोई भी धुआं का प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार चेक करके बता देता हूँ। तो अभी देख लो गाइस, गाड़ी के अंदर चल के आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो अभी गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोग देख लो मेरी गाड़ी सिंगल सेल्फ स्टार्ट है, गाड़ी में कोई भी प्रकार का धुआं वगैरह नहीं है। आप लोग यहाँ पे पीछे आके चेक भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता दो। तो आप लोग यहाँ पे एक बार देख लो गाड़ी में, आप लोगों को जो वो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बार देख लो कोई भी गाड़ी में वो धुआं नहीं है। मैं अभी ना गाड़ी को रेस करके आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी प्रकार का जो धुआं है वो यहाँ से नहीं आ रहा है, एक बार आप वो भी चीज़ चेकआउट कर लो। तो अभी एक बार यहाँ पर देख लो, तो गाइज देखो गाड़ी के यहाँ पे जो वो हीटर प्लग है वो सिचुएटेड होते हैं, तो चार हीटर प्लग है वो यहाँ पे गाड़ी में आते हैं। तो इसको सबसे पहले आप लोगों को चेक करके बताऊंगा ये कैसे ख़राब है, बाद में आप लोगों को यहाँ पे देखो जेन्यून MGP के जो हीटर प्लग है वो यहाँ पे, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले जो खोलने का काम है उसको स्टार्ट कर देते, आप लोगों को सबसे पहले चेक करके बताता हूँ। तो अभी मेरे साथ शोएब भाई, वो अभी हीटर प्लग है उनको एक एक करके यहाँ से निकालने वाले। सो गाइस सबसे पहले अभी हम लोग है ना वो हीटर प्लग को आप लोगों को चेक करके बताते हैं। चेक करके बताने के लिए सबसे पहले आप लोग एक प्रोसीजर है वो समझ लो। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक वायर ले लिया है, वायर का एक एंड है ना वो बैटरी के पॉजिटिव से आप लोगों को कनेक्ट करना है, और जो दूसरा वाला एंड है वो यहाँ पर हीटर प्लग के पे लगाना है। सो देखो अभी यहाँ पर हीटर प्लग पे लगाने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता पाऊँ तो कोई भी स्पार्क नहीं हो रहा है। तो स्पार्क नहीं हो रहा है इसका मतलब ये जो हीटर प्लग है ये चार ख़राब हो गए। पहले मेरे गाड़ी में एक नंबर का और तीन नंबर का ऐसे जो है ना दो हीटर प्लग खराब थे, लेकिन अभी मेरे गाड़ी में चारों प्लग है ना वो गए, तो इसीलिए जो मैं चारों प्लग को रिप्लेस करवा रहा हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने चेक करके आप लोगों को बताया। सो फाइनली अभी जो प्लग है उनको खोलने का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप लोगों को नए प्लग है ना उनको इंस्टॉल करके बताता हूँ। उसके पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, चारों प्लग मेरे गाड़ी में ख़राब थे फिर भी मेरी गाड़ी जो है वो सिंगल सेल्फ स्टार्ट थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। मेरी ये अभी तीसरी या चौथी वीडियो ये मेरी स्विफ्ट पे आ रही है कंटिन्यू, मेरी गाड़ी में कोई भी एरर नहीं था। हाँ लेकिन मेरी गाड़ी में अभी एक दिक्कत आ गई है, मेरी गाड़ी का जो माइलेज है वो कम्प्लीटली डाउन हो गया है, जो मेरे को 22 का मिल रहा था वो अभी मेरे को 14 पे आ गया है। तो अभी इसीलिए मैंने अभी गाड़ी का जो वो पूरा काम करवा था, टाइमिंग चेंज पूरा चेंज करवा दिया, गाड़ी का गियर बॉक्स पूरा ओवरऑल करवा दिया, वाटर पंप को भी मैंने पूरा रिप्लेस करवा दिया। लेकिन ये जो सिर्फ हीटर प्लग है वो मेरी गाड़ी में पूरा नहीं थे, इसीलिए अभी मैं हीटर प्लग है उनको भी चेंज करवा रहा हूँ। पिछले 5 साल से जो हीटर प्लग है वो ख़राब चल रहे थे, लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी सब नया डलवा दिया है तो हीटर प्लग को भी क्यों ना नया ही डलवाया जाए, इसीलिए जो MGP के जेन्यून हीटर प्लग है वो गाड़ी में डलवा रहा हूँ। सो गाइज देखो अभी हीटर प्लग को जो खोलने का काम है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हीटर प्लग है उसको पूरा एकदम मतलब अपन जो बोलते हैं तहजीब से निकाला जा रहा है। सो गाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने जो पुराने वाले हीटर प्लग है वो यहाँ से बाहर आ गए ग्लो प्लग। तो यहाँ पे देख लो ये वाले थे अपने कुछ पुराने वाले
ब्लो प्लग। और अभी आप लोगों को नया एक हीटर प्लग यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मेरे हिसाब से भाई ने जो वो तीन अभी अंदर फिट कर दिए, आप लोगों को एक वाला जो हीटर प्लग है यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना ये जो है वो ये कितना नया है। और ये जो सारा ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, 5 साल से ख़राब था गाड़ी में, लेकिन आज फाइनली मैं इसको पूरा चेंज करवा रहा हूँ। तो अभी जो अपने सारे हीटर प्लग है वो एक बार गाड़ी में अच्छे से चेंज हो जाने दो, फिर मैं आप लोगों को इसके बाद में जो नई वाली वीडियो आएगी उसमें ये माइलेज टेस्टिंग का जितना भी पार्ट रहेगा वो बता दूंगा।